सिंह चौहान जी को आमंत्रित हैं उनके स्वागत संदेश के लिए। मंचासीन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री मुकेश अंबानी जी, श्री सुनील जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री सेक्रेटरी राजारमन जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नव दधीची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूँ, जहाँ देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो, और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है, और इस दशक के अंत तक 6G बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं, आज हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सुबह में स्पेक्ट्रम्स के लिए चार्जेस भरते हैं और कुछ ही घंटों में उनको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो जाता है। ये नया भारत है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तब हम सबको ये पूरा भरोसा है कि दूर संचार आने वाले समय में, अमृतकाल और संकल्प काल में हमें नई गति देगा, नई तेजी देगा और ऊर्जा देगा, और उसी ऊर्जा और गति के साथ हमारे गतिशील प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत की जनता की सेवा में ये 5G सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, आप सभी जनों का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संदेश के लिए। और Now inviting the Honorable Minister for Communications.